क्या चैट जीपीटी पर आप कंप्लीट ट्रस्ट कर सकते हैं कि आप गूगल छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ चैट जीपीटी पर आस्क करो, उसको जो आंसर मिलेगा उसे आप पब्लिश कर सकते हैं क्या? नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे चैट जीपीटी पर आपको कितना विश्वास करना चाहिए, इसका डाटा कितना रिलायबल है। उससे पहले देखते हैं क्या है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक AI बेस्ड चैटबॉट होता है। ये ऑटो जनरेटिव भी है, बेस्ड ऑन एन ओपन सोर्स AI सिस्टम, जिसे यूज किया जाता है ऑटोमेटिक टेक्स्ट जनरेशन के लिए। जी हाँ, आपका जो क्वेरी है ये जो चैटबॉट पर आप लिख दीजिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑटो जनरेटिव आंसर्स आपको मिलेगा बेस्ड ऑन AI रिसर्च। तो क्या ये चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस कर सकता है? उससे पहले पूछता हूँ कितना रिलायबल है इसका डाटा, जो आंसर मिलता है आपको वो कितना सच है? क्या आपको जो डाटा मिला है चैट जीपीटी से वो आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहिए? चलिए देखते हैं उसके बारे में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। पिछले हफ्ते मैंने एक क्वेश्चन पूछा था चैट जीपीटी से कि सुगन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट कितना है। जी हाँ, तो उसने क्या उत्तर दिया आप देख सकते हैं। 2020-21 को जो इंटरेस्ट रेट था उसने बताया 7.6%, मगर 2021-22 के लिए इसने बताया जो इंटरेस्ट रेट 7.1%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डाटा 7.1% कभी भी सुगन्या समृद्धि योजना पर नहीं आया था। अब ये जो गलत डाटा आपको चैट जीपीटी ने कैसे दिया? उसके बाद मैंने रिसेंटली सेम क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछा, कितना है इंटरेस्ट रेट सुगन्या समृद्धि योजना का? तो उसने क्या दिया आप देख सकते हैं। अंडल 2021 इसका जो इंटरेस्ट रेट रखा गया है 7.6 है, और उसके बाद का जो डाटा अवेलेबल नहीं है या उसके बेसिस पर चैट जीपीटी को ट्रेन नहीं किया गया है, ये है आंसर दिया गया। देखिए इसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन पूछा, क्या मैं चैट जीपीटी का जो डाटा है, जो आंसर है, इसे ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्या ये एब्सोल्युटली ट्रू है या नहीं? तो उसका आंसर चैट जीपीटी ने कुछ इस तरह से दिया। चैट जीपीटी का जो नॉलेज है अभी 2021 तक ही लिया गया है, हो सकता है इसका जो रिस्पॉन्स है हमेशा अपडेट ना हो, मगर अभी भी चैट जीपीटी एक बहुत ही यूजफुल टूल है। समरी लिखना हो, रिपोर्ट जनरेट करना हो, आर्टिकल्स लिखना हो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, वो बिना कोई टाइम कंज्यूम करे चैट जीपीटी आपके लिए प्रोवाइड कर सकता है, मगर अंडरलाइन करता है चैट जीपीटी, जो आंसर चैट जीपीटी देता है उसे आप क्रॉस वेरीफाई करें, जो कभी ऑफिशियल सोर्स है उसका बेसिस पर क्रॉस चेक करने के बाद ही आप उसे रिलीज करें, पब्लिश करें। यहाँ पर चैट जीपीटी आपके लिए एक हेल्प प्रोवाइड कर सकता है, असिस्ट कर सकता है। जी हाँ, जो कभी इंफॉर्मेशन इससे मिलता है आपको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा गवर्नमेंट सोर्सेस से, या जो लीगल सोर्सेस होता है क्रॉस चेक करके ही आप उसे रिलीज कर सकते हैं। जो रिलायबिलिटी, द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट, ये सब आपके ऊपर आता है, सिर्फ असिस्ट या हेल्प प्रोवाइड कर सकता है चैट जीपीटी। जी हाँ, यह है उसका आंसर। क्या चैट जीपीटी पर आप कंप्लीट ट्रस्ट कर सकते हैं कि आप गूगल छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ चैट जीपीटी पर आस्क करो, उसको जो आंसर मिलेगा उसे आप पब्लिश कर सकते हैं क्या? आपका आंसर इस वीडियो में मिल चुका होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, एंड उसमें चैनल। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।